नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर, आप देख रहे हैं एमएन एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेडियम ग्राउंड बीरपुर में, और आपको बता दें कि यहां पर आज जो है बिहार सरकार खेल प्राधिकरण पटना के द्वारा जो है यहां पर जो है तरंग मेघा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यहां पर जो स्टेडियम ग्राउंड बीरपुर में बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत जो भी विद्यालय है उसमें 12 से 17 वर्ष के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच जो है यहां पर जो है आज खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें आज दिनांक 9 को यहां पर एथलेटिक्स और साथ ही खो खो खेल का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो हमने इस खेल के आयोजन को लेकर के यहाँ के जो आज के उद्घाटनकर्ता थे SDM बीरपुर कुमार यादव और साथ ही BDO बसंतपुर कुमार मनीष भारद्वाज, उनके द्वारा यहाँ पर शुभारंभ की गई थी। तो हमने उनसे बातचीत की कि खेल के महत्वाकांक्षा उसके क्या महत्ता है, साथ ही यहाँ के जो प्रतिभागी हैं जो खेल में जो बच्चे प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं हमने उनसे भी बात की है, साथ ही जो अन्य विद्यालय से शिक्षक गणाए हैं हमने उनसे भी बात की। तो क्या कुछ कहते हैं इस खेल का आयोजन को लेकर के, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सर, स्टेडियम ग्राउंड में जो है उत्सव का आयोजन क्या है, बिहार सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल के बच्चों को खेल के प्रति उसकी उसका रुझान बढ़ाने और उसमें जो प्रतिभा है उसको खोज करने के लिए ये बिहार सरकार की तरफ से ये उत्सव किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं विद्यालय लेवल पर उनका कंपटीशन होता है, उसके बाद विद्यालय स्तर से ये लोग चुनकर आते हैं प्रखंड स्तर पर, और वही प्रखंड स्तर वाला कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है जिसमें मुख्य रूप से 4 इवेंट इसमें कराए जाते हैं, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है और एथलेटिक्स है, ये यहाँ पे कार्यक्रम होता है। और यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं इनको हम लोग जिला स्तर पे भेजते हैं, और जिला स्तर पे पूरे जिले से सभी बच्चे जो पहुँचे होते हैं उनसे जो आगे निकलते हैं उनको प्रमंडल स्तर पर होता है, और लास्टली इनको राज्य स्तर पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे हैं उनमें खेल के प्रति उनके रुझान को बढ़ाने और उनकी जो प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए ये सरकार की तरफ से एक पहल किया गया है। मैम, देखा जा रहा है कि आज बच्चों की तरफ से सरकार का तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन। सर, ये जो तरंग मेगा उत्सव खेलकूद आरंभ किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो सरकारी विद्यालय के बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए, और इसके लिए सारे शिक्षक जो है बहुत मेहनत किए हैं, सारी तरह की तैयारियां, और इससे क्या हो रहा है कि बच्चे अपना सारा सब कुछ आगे निकाल रहे हैं, जैसे लड़कियां खेलकूद में बहुत आगे आ रही हैं, हम इन्हें आगे बढ़ाएं पहले स्टेट लेवल में, उसके बाद फिर नेशनल लेवल में, और आगे अगर ये हमारी बच्चियां बहुत अच्छा करें तो हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाएंगे और इससे हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। आज आप लोगों के बीच जो है खेल का आयोजन किया गया है, क्या लग रहा है इस तरह का आयोजन है ये और क्या कहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये खेल बिहार सरकार द्वारा हुआ है और सुपौल जिला में भी हुआ है, और हम लोग बसंतपुर प्रखंड से है, और हम जो विद्यार्थी अभी बोल रहे हैं लालपुर उच्च विद्यालय भूमनगर से बोल रहे हैं, और ये खेल इसलिए रखा गया है कि क्योंकि हम सरकारी बच्चा भी खेलकूद में आगे जा सके और आगे बढ़ के यहाँ पे अगर हम क्या बोलते हैं प्रखंड में अगर हम जीत गए तो सुपौल जिला में भी जाके वहां अगर टॉप कर लिए तो हम राज्य भी खेल सकते हैं। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग को सरकार द्वारा स्कूल द्वारा भेजा गया है कबड्डी के खो खो के रेस पर खो खो खेलने के लिए, उसी में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, काहे कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इतना चीज खेलने के लिए जहां मन तहां सर लोग भेजते हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह का सरकार शिक्षा विभाग का जो एक अच्छी पहल है इससे आप लोगों को कितना बल मिल रहा है? बहुत अच्छा बल मिल रहा है। आगे इससे क्या करना चाहती हो? आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जो चीज होगा उसमें भाग लेना चाहते हैं।